हेलो फ्रेंड्स, मेरे विराट और स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं हमारी वीडियो नंबर 94। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो अपडेट हुआ है यूट्यूब स्टूडियो बीटा, उसमें आप आई बटन कैसे सेट कर सकते हैं। नया तरीका है, हो सकता है सभी को पता हो, लेकिन कुछ क्रिएटर ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक आई बटन का यूज़ नहीं किया है यूट्यूब स्टूडियो बीटा में। तो इसके चलते हमने ये वीडियो बनाई है और आज आपको बताने वाले हैं कि आप स्टूडियो बीटा में आई बटन कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप उस जगह पर दो काम कर सकते हैं। पहला तो आई बटन लगा सकते हैं और दूसरा जो कि एंड स्क्रीन का उपयोग कर सकते हैं। एंड स्क्रीन भी अपडेट हो चुका है। अगर आप किसी वीडियो में एंड स्क्रीन लगाते हैं तो आपने लास्ट टाइम जो लगाया हुआ एंड स्क्रीन का जो पैटर्न होता है वो आपको रिसेंट में ही शो करता है। जब भी आप कोई सी वीडियो अपलोड करोगे तो रिसेंट में आपको आपका लास्ट बार लगाया हुआ एंड स्क्रीन शो करता है। तो हो सकता है अगर आपको वही लगाना है तो आप डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा, आपका एंड स्क्रीन जो पहले लगा हुआ था वो का वो लग जाएगा। बार बार आपको उसे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात करें आई बटन के, तो उसके जस्ट नीचे आपको आई बटन का ऑप्शन मिलेगा जिसे ऐड कार्ड लिखा हुआ आएगा। तो उसके चलते हमें आई बटन सेट करना है। तो वो कैसे करना है सारा कुछ मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं, हमने इसलिए हमारे चैनल में ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है सारी बातें आपको बताने के लिए। तो चलिए, पहले तो हमें स्टूडियो बीटा पर चलना होगा। तो हमने यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक कर दिया है, हमें यूट्यूब स्टूडियो बीटा वर्जन पर रिडायरेक्ट करेगा। ये हमारा पेज है, होम पेज, जिसे हम डैशबोर्ड कहते हैं। यहाँ पर हमारी सारी जानकारी शो होती है। तो चलिए, आई बटन को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस वीडियो के आइकन जो पर क्रिएट लिखा है इस पर क्लिक करना होगा। कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तब जाके हम आगे की पूरी प्रोसेस समझ पाएंगे। थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूँ ताकि वीडियो फटाफट से कंप्लीट हो सके। चलिए सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करते हैं। कोई भी फाइल आप ले लीजिए, समझने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, नीचे हमारी अपलोडिंग प्रोसेस चल रही है। जब तक यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी तब तक हमें यह ऑप्शन हाईलाइट होता हुआ नहीं दिखाई देगा। देखिए अभी फेड है, जब तक हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी भर देते हैं, ऐसे वैसे तो कुछ काम की नहीं, एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। लेकिन नीचे जो प्रोसेसिंग चल रही है जब तक कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। देखिए हमारी नीचे प्रोसेस चालू हो चुकी है। दूसरे ऑप्शन पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मोनेटाइजेशन से रिलेटेड आपको एडिट करने होंगे अगर आप चाहते हैं तो। 95% प्रोसेस हो चुकी है, जैसे 100 होगी ये वाला हमें हाईलाइट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ऐड कार्ड वाला, ठीक, जैसे यहाँ पर 100% वीडियो कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी। तो अभी तो 95% है, थोड़ा सा वेट करना होगा हमें कुछ सेकेंड का। जैसे 100% होगा यहाँ पर हमारी वीडियो का जो ऐड कार्ड का ऑप्शन है वो हाईलाइट होता हुआ हमें दिखाई देगा। 95% कंप्लीट हो चुका है, जल्द ही 100% हो जाएगा वैसे तो। देखिए फिनिश्ड प्रोसेसिंग हो चुकी है। तो ये देखिए ऐड कार्ड, ये ही है आई बटन। यहाँ पर अभी देखिए ये रहा आई जो लिखा हुआ था हमारे वीडियो के हेड पर। ठीक है, यहाँ पर हम इसे ऐड करते हैं। हमने ऐड किया तो ये देखिए हमारी वीडियो चालू हो चुकी है। यहाँ पर ऐड कार्ड से हमें वीडियो, ये देखिए यहाँ पर हम ऐड कार्ड पर क्लिक करते हैं तो आप जो चाहे वो यहाँ पर रख सकते हैं आई बटन में। वैसे वीडियो और प्लेलिस्ट पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आपकी लास्ट की जो वीडियो है चाहे वो कर सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट है 9 वीडियोस की, अगर आप इनमें से कोई देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने मान लीजिए ये इस पर क्लिक किया, क्रिएट कर दिया, किसी पर भी मैंने क्लिक किया, इस पर मैंने क्लिक किया और देखिए क्रिएट कार्ड जैसे यूज़ होगा तो ये देखिए हमारा क्रिएट कार्ड है वो यहाँ आ चुका है। ठीक है, ये जो लाइन है ये उसी का है। ये देखिए आई बटन यहाँ पर आ चुका है, आई बटन अब स्टार्ट हो चुका है। इसे आप क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से लेना चाहे आप, कहीं से भी लेना चाहे, जैसे जो यहाँ से लेना, देखिए जहाँ, ये देखिए यहाँ पर आई बटन स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए ऊपर भी देखिए आप, जैसे यहाँ पर आए तो आई बटन स्टार्ट हो गया। जैसे फिर से चेक कीजिएगा, ये देखिए आई बटन जैसे ही हमने यहाँ सेट किया तो यहाँ से आपका आई बटन शो होगा। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं और अपने वीडियो के सजेशन में आप अपनी दूसरी वीडियो भी दे सकते हैं अगर आपको अपनी सारी वीडियो पे व्यूज़ अच्छे खासे रखने हैं तो। तो फिलहाल तो मैं इसे बैक कर रहा हूँ और इसे कट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे अपलोड नहीं करूँगा इस वीडियो में,
कुछ ऐसा बताने लायक नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, आपको सभी बातें आसानी से समझ आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आई होगी तो फिर से आप वीडियो को देखिएगा, और कुछ ऐसा एरिया जो कि आपके समझ में नहीं आ रहे वहाँ पर आप पॉज कर सकते हैं। चैनल को करता हूँ साइन आउट, ठीक है, और जो पेज है उसे करते हैं क्लोज, ये कर दिया मैंने क्लोज। तो फ्रेंड्स देखा आपने, इस तरीके से आप दो चीज़ एक ही जगह पर कर सकते हैं, पहला एंड स्क्रीन लगा सकते हैं और दूसरा आई बटन। आई बटन का आज का हमारा टॉपिक था, जो कि मैंने आज क्लियर कर दिया, आपको बता दिया हूँ कि किस तरीके से आई बटन को लगाना है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को वापस से आप फिर से देख सकते हैं, और अगर कुछ समझने लायक चीज़ें जहाँ पर आपको ध्यान से देखना है तो वहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो वीडियो का सिलसिला लगातार चालू रहेगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।